यहाँ पर बिग डैडी कैसीनो की टिकट मिलेगी और यहीं से एंट्रेंस है। तो आगे चल के मैं आपको सारे कैसीनो दिखाता हूँ और वहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं आप भी सोच रहे होंगे। अगर आप बोट क्रूज करना चाहते हैं तो वो जो दो बोट खड़ी हैं वो बोट क्रूज हैं। बोट क्रूज में क्या होता है, एंट्री फीस 300 से लेके 800 हज़ार रुपये तक होती है और इनमें अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन मिनिमम 300 रुपये में आप जा सकते हैं। अगर आप कुछ खाना पियो खाओगे या पियोगे तो उसका पे करना पड़ेगा, उसकी भी टिकट मिलती है। लेकिन ये दलाल जैसे यहाँ से लेके घूम रहा है ना, ये दलाल लोग हैं, एजेंट लोग हैं, इनसे बच के रहना भाई, इनसे कुछ भी टिकट मत लेना। आपको लेना है अगर कोई भी टिकट तो टिकट काउंटर में जाके लेना, क्योंकि यहाँ पे दलाल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और आप फंस जाओगे, आपको चुतिया बना दिया जाएगा। ये गोवा है, गोवा में आए दिन स्कैम होते रहते हैं। वो है कैसीनो प्राइड जो कि मेरे सामने दिख रहा है और इसके सामने बगल में जो बोट लगी है हुई है वो बोट कैसीनो प्राइड की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लोग जा रहे हैं दूसरे आइलैंड में जाएंगे, मतलब उस साइड जाएंगे, कैंडोलिम तरफ जाएंगे। और वो है ए बिग डैडी कैसीनो एक है और दूसरा है डेल्टिन रॉयल। तो ये है कैसीनो यहाँ पे। अब इन कैसीनो में आप कैसे जा सकते हैं, अगर आप किनारे पे हो तो कैसे जाओगे वहाँ तक, आपके मन में भी यही आ रहा है कि लेकिन यहाँ पर जाने के लिए क्या चाहिए। तो ये कैसीनो क्रूज होते हैं, लैंड में भी कैसीनो है लेकिन ये कैसीनो क्रूज शिप में जो होते हैं इनमें जाने का मज़ा ही दूसरा है। तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं पर जाओ। जब आप किसी भी कैसीनो की टिकट ले लोगे तो वो एक छोटी सी बोट जैसे जा रही है ना, और ये कि जो बोट इसके कैसीनो प्राइड के जस्ट राइट साइड में जो है और उसके आगे डेल्टिन जैक है। तो ये क्या होते हैं, ये जो बोट्स हैं आपको इस बड़ी वाली क्रूज शिप तक पहुंचाने का काम करती हैं। आप किसी भी कैसीनो की टिकट ले लेंगे तो हर कैसीनो की छोटी छोटी बोट्स होती हैं, जैसे एक बोट उधर जा रही है तो वो भी किसी डेल्टिन, उधर बिग डैडी कैसीनो है डेल्टिन रॉयल है तो मैं भी बिग डैडी की या डेल्टिन रॉयल की होगी, तो वो बोट आपको उस बड़ी सी क्रूज शिप में ले जाएगी और वहीं पर जाके आप प्ले कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, डिनर, लाइव प्रोग्राम, लाइव म्यूजिकल प्रोग्राम, डांसिंग और सब चीज का एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये बोट आ रही है, ये कैसीनो की ही बोट है, ये किनारे में आएगी और आपको ले जाएगी, लेकिन ये मेरे सामने नहीं आएगी, इसके लिए भी एक जेट्टी बनी है अलग, जेट्टी मतलब प्लेटफॉर्म बना है अलग से, वो वहां पे खड़ी होगी। जैसे अगर आप सपोज दैट कैसीनो प्राइड जो मेरे सामने है इसकी टिकट ले ली आप कैसीनो प्राइड के काउंटर से, इसका काउंटर भी आगे है मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसका एक प्लेटफॉर्म होगा कैसीनो प्राइड वाले का, तो ये उसी प्लेटफॉर्म से ये बोट आपको रिसीव करेगी और कैसीनो प्राइड तक ले जाएगी। तो यही रूल होता है सारे कैसीनोज का, और गोवा में जितने भी कैसीनो है क्रूज है ना, ये इनकी प्राइस मिनिमम 1500 से लेके 5000 तक होती है। सबकी कंडीशन अलग अलग है, मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो फोटोज लिया है क्लियर फोटोज लिया है, आप देख सकते हैं ये बिग डैडी कैसीनो की फोटोज हैं। यहाँ पे पूरी बिग डैडी कैसीनो का एंट्रेंस देख सकते हैं आप, कैसीनो प्राइड और डेल्टिन जैक, डेल्टिन रॉयल, और उसका मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इनमें से एक फ़ोटो कैसीनो मैजिस्टिक की है जो वो सामने है, उसके अलावा सारी ये बिग डैडी की हैं जो कि आप देख रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको सारे कैसीनोज की सेपरेट फोटोज, सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।